नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 न्यूज को आप हमारे नए यूट्यूब चैनल GOV PVT पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने निकाली रिक्तियां। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा ने मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 671 पद के लिए BSc, नर्सिंग, BAMS आदि की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं आवेदनकर्ता ध्यान रखे कि इन पदों के लिए आवेदन भरने के लिए उम्र सीमा 18 से 42 साल तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट www.nrhmharyana.gov.in पर जाकर 31/1/2021 से पहले आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बीते दिन बिहार में एक साथ 300 जगहों पर शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच कोरोना टीकाकरण का काम बीते दिन से शुरू हो गया है। बिहार में भी टीकाकरण का काम पटना के IGIMS से शुरू किया गया है, जहां मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, जिसके तहत बिहार में पहला टीका IGIMS के सफाई कर्मचारी रामबाबू को लगा। वहीं दूसरा टीका इसी संस्थान के एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शनिवार को टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिस तरह देश में इसकी तैयारी पूरी है, उसी तरह यहां भी पूरी तरीके से तैयारी है। टीकाकरण की यहां भी शुरुआत हो गई है और हम लोग इस मौके पर उपस्थित रहे हैं। विश्व के मानचित्र पर जल्द दिखेगा मधुबनी का ऐतिहासिक सौराठ सभागाछी। बिहार के मधुबनी जिले में विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभागाछी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वराज सभा समिति की तरफ से इसको लेकर पर्यटन निदेशक से मांग की जा चुकी है, जिसके बाद जल्द ही समिति का एक शिष्टमंडल बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री से मिलकर अपनी इस मांग को सामने रखने वाला है। इस बात की जानकारी सौराठ के सचिव शेखर चंद्र मिश्र ने दी है। इस बात पर उन्होंने बताया है कि सौराठ सभा की पुरानी गरिमा ही पर्यटन केंद्र बनाने की शर्तों को पूरा करती है। आधुनिक उपकरण से लैस हुआ वाल्मीकि नगर वेधशाला। वाल्मीकि नगर वेधशाला को वाल्मीकि नगर स्थित भूकंप वेधशाला में नए उपकरण लगाने की पहल शुरू की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 146वें स्थापना दिवस के मौके पर वाल्मीकि नगर स्थित भूकंप वेधशाला में शुक्रवार को नया और आधुनिक उपकरण लगाने का काम किया गया है, जिसकी जानकारी मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने दी है और बताया है कि नवस्थापित तमाम उपकरणों ने 15 जनवरी से काम करना शुरू कर दिया है। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस केंद्र में लॉन्ग टर्म क्लाइमेट मॉनिटरिंग केंद्र बनाने की सहमति प्रदान की है। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी राजेश यादव राजद में हुए शामिल। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कोषाध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी माने जाने वाले राजेश यादव ने राजद का दामन थाम लिया है, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी यादव ने राजद की सदस्यता दिलवाई है। बता दें कि राजेश यादव विधानसभा चुनाव के बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा की नीतियों पर सवाल उठाते रहे थे। पिछले दिनों राजेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ सकते हैं। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 239 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 258,528 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 100 नए मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दरभंगा में 14 और नालंदा में 12 मामले सामने आए हैं। पूरे बिहार में अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं। बिहार में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। पटना समेत पूरे बिहार में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक पटना समेत पूरे बिहार को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब सर्द हवाओं के रूप में मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। 13 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं से प्रदेश के सभी हिस्सों में रात का पारा इकाई में दर्ज किया गया है। हालांकि आने वाले 3 दिनों में अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलने वाली है। औरंगाबाद के हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हजरत सैदाना मोहम्मद जिलानी की मजार इस्लाम धर्म के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जो पचरुखिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजरत सैदाना इस्लाम धर्म के संत थे। पूरे भारत में जून महीने में इस्लाम के लोगों का भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा होता है, क्योंकि इस महीने में हिज उर्स मुबारक भी मनाया जाता है।
बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए ट्रक ओनर्स एसोसिएशन। बिहार में ट्रक ओनर्स की मांग पर चक्का जाम की शुरुआत 15 जनवरी से हो गई है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार अब यह हड़ताल अनिश्चितकालीन समय तक जारी रहने वाली है। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य में 12 चक्का वाले ट्रक पर बालू गिट्टी सहित अन्य सामग्री के साथ परिचालन पर रोक के खिलाफ शुक्रवार की आधी रात से ट्रकों की हड़ताल शुरू हो गई है। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह के मुताबिक पूरे बिहार के ट्रक मालिक हड़ताल में शामिल हो गए हैं। शनिवार की सुबह से ही हड़ताल का पूरा असर दिखाई देने लगा है। जुडिशियल ऑफिसर शादी में अब नहीं ले सकते हैं दहेज। अब जुडिशियल ऑफिसर से शादी करने के लिए किसी को दहेज की चिंता नहीं करनी होगी। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से कंसल्टेंट कर निचली अदालत के जुडिशियल अधिकारी के आचरण को निर्धारित करने वाली नियमावली को जारी कर दिया है, जिसके बाद शादी में अब कोई दहेज नहीं ले सकता है। इतना ही नहीं, 10,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट लेने पर भी हाईकोर्ट को भी अब जानकारी देनी होगी। इस बाबत बीते दिन ही सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है तथा इस नई नियमावली से साल 2017 के पुराने नियमों को और बड़ा और वृहद बनाया गया है। इसके साथ ही ऑफिसर्स को और भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार में शेर शाह सूरी पुल का होगा संरक्षण। बिहार के लगभग 475 साल पुराने पुल के संरक्षण को लेकर सरकार अब अपना काम करने वाली है। 16वीं सदी के मध्य में करीब 1540 ईसा में सम्राट शेर शाह सूरी का साम्राज्य पश्चिम में खैबर पख्तूनवा से पूर्व बंगाल तक था। इस काल में यातायात को आसान करने के लिए शेर शाह सूरी ने डेहरी स्थित सोन नदी में पत्थर की सड़क और पुल का निर्माण कराया था। इसके संरक्षण की कवायद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पिछले दिनों निवर्तमान डीएम पंकज दीक्षित ने सोन नदी पर बने पुल और सड़क के निरीक्षण का भी काम किया था। इसके बाद डेहरी अंचल कार्यालय ने पुल और सड़क की मापी कराई है। पैमाइश की रिपोर्ट अंचल कार्यालय ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता डेहरी को सौंपी है। प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। राज्य के पहले पक्षी महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद की है, जिससे देश भर के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया था। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थल पर लगभग 3 घंटे तक रहे, जिसके बाद वो लगभग 12 बजे नागी पक्षी आश्रयणी पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्धारित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार में बुकिंग के 45 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा एलपीजी। अब बिहार में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर दिन दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब बुकिंग के 45 मिनट बाद ही एलपीजी सिलेंडर पहुंच जाएगा। आने वाले कुछ महीने में इसका पालन कड़ाई से किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तुरंत एलपीजी पहुंचाने की शुरुआत करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि यह योजना फरवरी महीने में शुरू हो जाएगी। कंपनी सूबे में लगभग 88.57 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को सेवा प्रदान किया जाता है। इसमें अकेले पटना जिले में 8.57 लाख ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें यह लाभ मिलने वाला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार कंपनी तत्काल एलपीजी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि बुकिंग के दिन ही ग्राहकों को सिलेंडर मिल जाए। मार्च तक बिहार को मिल सकता है और ज्यादा टीकों का खेप। बीते दिन से बिहार में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बाबत अपना बयान भी जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है और पहले चरण के तहत फ्रंटलाइन वर्कर को टीका दिया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को टीका देने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने मार्च तक बिहार को और ज्यादा टीकों की सौगात देने की भी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अभी हमारे बीच में 2 टीका आया है, लेकिन ये कोई अधिकृत नहीं है। थर्ड फेज में ट्रायल जारी है। मार्च के अंत तक और भी टीकों को बाजार में लाया जाएगा। इसकी अंतिम संभावना बनती देखी जा रही है। जैसे ही टीके की उपलब्धता बढ़ेगी, वैसे वैसे भारत की सरकार का दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा। बिहार में 80,000 सार्वजनिक कुओं का होगा कायाकल्प। बिहार में 80,000 सार्वजनिक कुओं का कायाकल्प होने वाला है। पंचायती राज विभाग ने इन कुओं के जीर्णोद्धार की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद इन सभी कुओं की सूची तस्वीर के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिसके बाद कुओं के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। जीर्णोद्धार का काम पूरा होने के बाद फिर से कुओं की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, ताकि इसकी जानकारी हो सके कि कौन कौन से काम करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के तहत यह भी देखा जाएगा कि पहले और अब के कुएं में क्या क्या फर्क है। इसके लिए विभाग ने मानक तय कर लिया है। नाबार्ड ने एक दिवसीय राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम की जल्द होगी शुरुआत।
नाबार्ड ने एक दिवसीय राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम की शुरुआत की कही बात। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की तरफ से राजधानी पटना के निजी होटल में राज्य ऋण मंत्री संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऋण क्षमता का आकलन करना है। बिहार राज्य के फोकस पेपर 2021-22 में राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकन और ऋण प्रवाह की संकलन की गई है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बताया है कि बिहार के लिए 1,43,618 करोड़ रुपए क्षमता का आकलन किया गया है। कोरोना और लॉकडाउन से परेशान राज्य को उभारने के लिए तैयारी की गई है। 2022 तक और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी 22 महिलाएं। विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम से मिसाल पेश कर रही आम और खास महिलाओं के सम्मान के लिए विमेन अचीवर अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राजधानी पटना में 31 जनवरी को किया जाना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया जाना है। विमेन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अभिनेत्री सोनिया शर्मा ने बताया है कि पटना के न्यू पटना क्लब में 31 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिनमें उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने बतौर महिला न सिर्फ अपनी बल्कि कई लोगों के लिए मिसाल पेश किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए 1941 में आज ही के दिन रवाना हुए थे। 1989 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कर्नल जेके बजाज पहले भारतीय आज ही के दिन बने थे। 1945 में हिंदी फिल्मों के गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ ज्योति बसु ने 2010 में दुनिया को अलविदा कहा था। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा सेन ने 2014 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। भाजपा ने बिहार में एमएलसी की एक सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री को बनाया उम्मीदवार। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए भाजपा ने अपनी तरफ से प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है, जिसके तहत एक सीट पर भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भागलपुर से सांसद रहे सैयद शाहनवाज हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया 11 से शुरू हो चुकी है। 18 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने और विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद खाली हुई इन दोनों सीटों पर 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के नाम लिखी एक चिट्ठी। बिहार में बढ़ रहे अपराध को ध्यान में रखते हुए बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक चिट्ठी जारी की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि आपके पुराने जुमले जिसमें आप कहते हैं ना कि हम किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। तेजस्वी ने आगे लिखा है कि राज्यहित में अपने अधिकारियों को बदलिए। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखी चिट्ठी को ईमेल के जरिए भेजा है, जिसमें उन्होंने पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कई सवाल के जवाब मांगे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए बिहार के रामधारी सिंह दिनकर की कविता पीएम मोदी ने किया शेयर। बीते दिन से पूरे बिहार समेत देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं आम नागरिकों को भी वैक्सीन लेने के लिए हौसला बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के जाने माने कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता शेयर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने देश के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को याद किया। आपको बता दें, रामधारी सिंह दिनकर अपने समय के ही नहीं कि हिंदी के कवि रहे, जो एक साथ पढ़े लिखे अपढ़ और कम पढ़े लिखों के बीच भी काफी प्रिय हुए थे। जीतन राम मांझी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने राम नाम का सहारा लेकर उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और उसी को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का भी घेराव किया है। इस बाबत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा, सुंदरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है कि विनय न मानत जल्द ही जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय हो उतना प्रीत। नीतीश कुमार जी बिहार के आपराधिक वारदातों को ध्यान में रखकर अब इन पंक्तियों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। दूसरे दिन के खेल पर बूंदाबांदी ने लगाया ग्रहण। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले आखिरी मैच पर बारिश ने ग्रहण लगा दिया है। गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश के कारण तीसरे सत्र में एक भी ओवर नहीं फेंका जा सका और स्टंप्स की घोषणा भी कर दी गई। टी टाइम तक मिली जानकारी के अनुसार भारत ने अपनी पहली पारी में दोनों ओपनर के विकेट गंवाकर 62 रन का स्कोर हासिल किया था।
डीजीपी सिंघल ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर कही अहम बात। बिहार में बढ़ रहे अपराध के बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। सुशासन का सवाल सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बौखलाहट भी साफ दिख रही है। वहीं डीजीपी ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकाल की बात कीजिए, आप 20-25 दिन का अखबार पलटिए, आप देखेंगे कि अपराध की खबरें कम हुई है। पुलिस का डेटा कहता है कि हर क्षेत्र में अपराध में कमी आई है। हमारा डेटा देश भर में सबसे बढ़िया, किसी भी हेड में अपराध में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2019 में अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसकी बात होती ही नहीं है। नए अवतार में दिखे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। राम मंदिर निर्माण के लिए बेगूसराय के बाजारों में घूम घूम कर गिरिराज सिंह चंदा इकट्ठा करते नजर आए हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा के विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी घूम घूम कर जय श्री राम और मंदिर वहीं बनवाएंगे किनारे लगाते देखे गए। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह नया अवतार देखने को मिला है। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में जहां एक ओर उन्होंने सदर अस्पताल में फीता काटकर कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण के लिए बाजारों में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ भाजपा के विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी देखे गए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता रॉय, प्रदीप, मनीष मोहरा, राधा रानी, दिव्यांशु कुमारी, सुंदरम कुमार, अभिषेक चौहान, अजीत प्रसाद दीवान, विश्वजीत कुमार, अमन कुमार, कृष्णा कुमार, पुष्पा राव, विकास कुमार, रविन्द्र पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ प्रकार है, आपके अनुसार हमारे 25 बड़ी खबरों में और कौन कौन से सुधार की जरूरत है, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।